करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सोच रहे ना कि जिंदगी हो तो ये बाबा की जैसी हो। जिंदा तो झांट के बाल भी है। हम लोग कथा में कहते हैं कि हमारी बहनों को अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए, तो बाबा जी हम लोग भी तो यही कहते हैं। जी आप क्या कह रहे हो, कपड़ों से क्या लेना देना है? नहीं नहीं, तुम ठीक हो बेटा, अपनी जगह तुम ठीक हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हें जो देखेगा उसका बिगड़ेगा। तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा, तुम तो कुछ भी पहन लो, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा, जो तुम्हें देखेगा। साधु की साधुता बिगड़ सकती है तुम्हें देख के, साधु की साधुता बिगड़ सकती है तुम्हें देख के, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल है, क्योंकि मन कंट्रोल के बाहर है। इंद्रियों का भरोसा ना करना, लाख बार शास्त्र कह रहे हैं, हम भी आपको कह रहे हैं। बाबा जी तो इस्लाम में यही ना सिखाया जाता है कि हिजाब पहने, निकाब पहन के घर से निकले, ताकि गैर मर्द का नजर जो है ना पड़े। बात तो सही है, पर क्या रिप्लाई आता जरा सुनिएगा। तो मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला रहे घूमना चाहिए? तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? हाँ तो बाबा जी, इन अनभक्त जो जितने भी है ना आपके, उस सबको आप ही समझाइए। पता नहीं गोबर खाने के बाद दिमाग में का भर जाता है कि समझ में नहीं आता। अरे अनभक्तो देखो, तुम्हारा बाबा जी भी वही बात बोल रहा है और इस्लाम में भी वही बात बोल रहा है। बात तो सही है। बस तुम गोबर से जो है ना थोड़ा मुक्ति पालोगे ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक चम्मच गोबर। ताकि तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है गू गोबर, तो समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा गोबर बिना खाए हुए भी कभी कभी ट्राई करो, ठीक।